वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 25 मार्च 2022 और आज के इस वीडियो में 25 मार्च के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, सभी करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के डिस्कशन के बाद एक एग्जाम रिलेटेड और टॉपिक डिस्कस करेंगे, जहां से आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आप लिंक के थ्रू भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए जीएस कैरियर एकेडमी को, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस देश की राजधानी शहर प्रदूषण के मामले पर शीर्ष पर है? तो अभी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी की गई है और इसके अनुसार अपने देश भारत की राजधानी दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो दिल्ली टॉप पर है और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब दिल्ली पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, तीसरे नंबर पर है चाड की राजधानी नादजमेना और चौथे नंबर पर है तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। यह वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो इस रिपोर्ट को स्विस संगठन जिसका नाम है आईक्यू एयर के द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट जो है एयर क्वालिटी की, इसको 117 देशों के 6,475 शहरों को PM2.5 वायु गुणवत्ता पर आधारित बनाया जाता है। तो अभी हमने बात करी किस देश की राजधानी शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रदूषित है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार, तो उसमें रैंकिंग है टॉप 5 जो है, पहले नंबर पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश माना गया है। दूसरे नंबर पर चाड, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर तजाकिस्तान और पाँचवें नंबर पर है भारत। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि भारत के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है पहले नंबर पर राजस्थान का शहर है भिवाड़ी, दूसरे पर गाजियाबाद, तीसरे पर दिल्ली और चौथे पर है जौनपुर। तो आप तीनों तरह की रैंकिंग को याद रखिएगा। देश की राजधानी पूछे तो पहले नंबर पर है भारत की राजधानी दिल्ली। कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, तो बांग्लादेश पहले नंबर पर है। अगर भारत का शहर पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन सा है, तो भिवाड़ी। 2021 में मध्य और दक्षिण एशिया के 15 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से 12 भारत से है। तो भारत में प्रदूषण का जो स्तर है वो सबसे अधिक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट कंपनी ने फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो अभी डिजिटल पेमेंट कंपनी है फोनपे और फोनपे ने ही फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब फोनपे की बात आ रही है तो फोनपे की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। फोनपे का जो हेडक्वार्टर है तो कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है फोनपे के? समीर निगम। कौन है? समीर निगम। और फोनपे कैसी कंपनी है? एक डिजिटल पेमेंट कंपनी है जिसके माध्यम से आप डिजिटली मनी ट्रांसफर के साथ साथ और भी सुविधाओं को उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी 22 मार्च को बिहार राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब बिहार ने मनाया है अपना स्थापना दिवस। तो बिहार का गठन कब हुआ था? बिहार का गठन हुआ था 1912 में और अभी 2022 में बिहार ने अपने 110 साल पूरे कर लिए हैं। मैप में देखिए बिहार को, बिहार, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। बिहार की जो सीमा है वह किसके किसके साथ लगती है? तो तीन राज्यों के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और एक देश के साथ भी लगती है, किसके साथ? नेपाल के साथ। अब बिहार की बात आती है तो जो बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हाल के दिनों को, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जहां से आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी बिहार ने डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला
पहला राज्य बना है। तो अब लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा करी है बिहार राज्य सरकार ने, किस क्षेत्र में? मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के क्षेत्र में। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार के बोध गया में बनाई जा रही है। बिहार के पूर्णिया जिले में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क अभी बनाया जा रहा है, और 2022 में ही बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, हाल ही में MS धोनी की जगह IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान किसे बनाया गया है? तो अभी MS धोनी ने कप्तानी के पद से इस्तीफा दे दिया है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से, और अब MS धोनी की जगह रविंद्र जडेजा को नया कप्तान बनाया गया है चेन्नई सुपर किंग्स का। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक और पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि IPL टीम CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू वाली कंपनी भी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का COVID-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो ये व्हाइट हाउस क्या है? व्हाइट हाउस अमेरिका का पार्लियामेंट का नाम है व्हाइट हाउस, तो इसको याद रखिएगा आप। और अभी आशीष झा को व्हाइट हाउस के COVID-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। ये है आशीष झा, और इनको ही अभी व्हाइट हाउस में COVID-19 का समन्वयक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव्स स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में किसको स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स आइकन का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जब यहाँ पर बात आ रही है सुरेश रैना की, तो सुरेश रैना ने एक बुक भी लिखी है, उसका टाइटल क्या है? बिलीव। याद रखिएगा, बिलीव नामक किताब किसने लिखी है? सुरेश रैना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में अपने शेष उपकरणों को लॉन्च करने के लिए वनवेब द्वारा किस कंपनी को चुना गया है? तो अभी वनवेब जो कि भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है, और इसने स्पेस एक्स कंपनी को चुना है अपने शेष उपकरणों को लॉन्च करने के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब स्पेस एक्स के मालिक कौन है? स्पेस एक्स के मालिक है एलोन मस्क, और वन वेब को मैंने बताया कि ये सब्सिडरी कंपनी है भारतीय एयरटेल की, और भारतीय एयरटेल के मालिक कौन है? सुनील मित्तल। कौन है? सुनील मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स डस्ट लिंक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो अभी भारत और उज्बेकिस्तान की देश की सेनाओं के बीच एक्स डस्ट लिंक नामक यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है। यह शुरू कहाँ हुआ है? तो यह उज्बेकिस्तान में ही शुरू हुआ है, और जबकि 2021 में यह कहाँ हुआ था? एक्स डस्ट लिंक, यह तो 2021 में भारत की उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ था। अब यह उज्बेकिस्तान में हुआ है इस बार, तो उज्बेकिस्तान को देखिए मैप में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तानी सम। और प्रेजेंट टाइम में उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? सबाकत मिर्जियो। कौन है? सबाकत मिर्जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टोन फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो अभी मोहम्मद रजा मासूमी को 13वां ग्रीन स्टोन फोटोग्राफी पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह ग्रीन स्टोन फाउंडेशन के द्वारा हर वर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 मार्च 2022 को मनाए गए वर्ल्ड टीवी डे के लिए WHO ने क्या थीम रखी थी? तो इस अभी 24 मार्च को कौन सा डे मनाया गया है, पहले तो आप यह याद रखिए। तो 24 मार्च को वर्ल्ड टीवी डे, यानी टीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबर क्लोसिस। और वर्ल्ड टीवी डे हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। 2022 में के लिए WHO ने इस बार थीम रखी थी इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स। क्या रखी थी? इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स। टीवी से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? तो टीवी से बचाव के लिए वैक्सीन का नाम है BCG, बेसाइल कैलमेट ग्यूरिन। कौन सी? बेसाइल कैलमेट ग्यूरिन। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टीवी से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, तो इसके लिए आप यह लोग टिक कर लीजिएगा, BCG, बेसाइल कैलमेट ग्यूरिन। यहाँ पर बात आ रही है WHO की, तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में।
और प्रेजेंट टाइम में WHO के हेड कौन है? टेड्रोस एडोनोम गिवीरियस। कौन है? टेड्रोस एडोनोम गिवीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण का आयोजन किसने किया है? तो अभी वुमेन्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच यानी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए WTI पुरस्कारों को सुरक्षित और समर्थ भारत की दिशा में उनके योगदान के लिए 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तो दो फैक्ट यहाँ से निकल के आते हैं, कितनी महिलाओं को सम्मान मिला है? 75 महिलाओं को। इसको किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच यानी वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सॉरी यहाँ पर बात आ रही है नीति आयोग की। तो नीति आयोग से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आते हैं, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। तो ये पूरे पॉइंट आपको नीति आयोग से रिलेटेड याद रखने हैं। अब डिस्कस करते हैं आज के नॉलेज बूस्टर को। नॉलेज बूस्टर में आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख सैन्य अभ्यास जिनमें भारत भाग लेता है, यानी भारत और दूसरे देशों के बीच जो सैन्य अभ्यास किए जाते हैं उनके नाम क्या है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसको बोलते हैं गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच आयोजित किया जाता है? भारत और फ्रांस के बीच। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच आयोजित किया जाता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। वज्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, एलिफेंट युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच में। भारत और मालदीव के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका क्या नाम है? एक्वेरियन। एक्स डेजर्ट नाइट 21 किसके बीच होता है? तो एक्स डेजर्ट नाइट 21 होता है भारत और फ्रांस के बीच में। सूर्य किरण एक्सरसाइज होता है भारत और नेपाल के बीच में। अजय वॉरियर भारत और इंग्लैंड के बीच आयोजित किया जाता है। संप्रीति का आयोजन भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास के नाम थे जो भारत और दूसरे देशों के बीच में आयोजित किए जाते हैं। अब आज के लिए डेली स्टैटिक GK का डोज है। तो किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बट गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। किस धर्म के वृक्षों के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? बौद्ध धर्म के वृक्षों के लिए। आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है? तो सूर्य का अध्ययन से इसका संबंध है। सूर्य पर एनर्जी किससे बनती है? नाभिकीय संलयन से। एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री? दुर्गापुर। अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के शक्ति से। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने वाला दुनिया का पहला सबसे बड़ा प्लांट कहाँ लगाया गया है? आइसलैंड में। आइसलैंड एक देश है। अब आज के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 के 44वें संस्करण के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में किसे चुना गया है? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के इस करंट अफेयर को सेशन में हमने 25 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप सभी लोग को मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग को जय हिंद, वंदे मातरम।